फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट एसएससी जीके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है अभी, जो भी मतलब नया सरकार बनने के बाद किनको कौन सा मंत्रालय मिला है, ये सारा चीज़ जो है ये हम अपडेटेड यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये आज के टाइम में जो करंट अफेयर्स जा रहे हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ध्यान से देखें और एक एक क्वेश्चन को एकदम रटी ले आप, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको नेक्स्ट हमारा आने वाला वीडियो जो है पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है कि किनको लोकसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें दोस्तों कि लोकसभा का नया स्पीकर जो है वो ओम बिरला को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि मौसम विभाग के नए अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि मृत्युंजय महापात्रा जो हैं नए अध्यक्ष चुने गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किनको फिर से उपराष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आईवी सुब्बा राव को चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश के नए रक्षा मंत्री किनको नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि ये राजनाथ सिंह को नियुक्त किया गया है। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री फिर से कौन बने हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है नितिन गडकरी को बनाया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के पहले लोकपाल किनको नियुक्त किया गया है। पहले लोकपाल बताते हैं यहाँ पे, तो न्यायमूर्ति पीसी घोष को चुना गया है। दोस्तों किनको? न्यायमूर्ति पीसी घोष को चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश के गृह मंत्री किनको नियुक्त किया गया है। तो आप इनको जानते होंगे दोस्तों, अमित शाह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि देश के नए वित्त मंत्री कौन हैं। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, देश के नए वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो आपको बता दें कि नए सेना के जो प्रमुख हैं वो हैं करमवीर सिंह। कौन है दोस्तों? करमवीर सिंह। अगला हमारा क्वेश्चन है कि देश के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये श्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद हैं। कौन है? रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो हैं कौन हैं। तो उपराष्ट्रपति हमारे देश के जो हैं अभी वेंकैया नायडू हैं। कौन है दोस्तों? वेंकैया नायडू। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि देश के नए विदेश मंत्री किनको नियुक्त किया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे दोस्तों, एस जयशंकर को नियुक्त किया गया है। किनको? एस जयशंकर को। आगे हम देखते हैं कि देश के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है दोस्तों, आप टोटल क्वेश्चन को ध्यान से देखें। देश के मुख्य न्यायाधीश जो हैं रंजन गोगोई हैं। कौन है? रंजन गोगोई। आगे हम देखते हैं कि हमारे देश के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं श्री नरेंद्र मोदी हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे इसको, नरेंद्र मोदी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार फिर से कौन बने हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, श्री अजीत डोभाल बने हैं। कौन है? अजीत डोभाल। हमारा अगला 17वां क्वेश्चन है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री किनको नियुक्त किया गया है। तो केंद्रीय बाल विकास मंत्री जो है स्मृति ईरानी को चुना गया है। दोस्तों स्मृति ईरानी को मिला है ये मंत्रालय। दोस्तों यहाँ पे हम आपको 90 क्वेश्चन कराएंगे, आप 90 क्वेश्चंस को ध्यान में रखें और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको एकदम रट लें। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किनको देश का नया मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया है। तो मानव विकास संसाधन विकास मंत्री जो है पोखरीवाल निरसंग को चुना गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुनील अरोड़ा को चुना गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय रेल मंत्री कौन है। तो केंद्रीय रेल मंत्री जो है श्री पीयूष गोयल हैं। दोस्तों कौन है? श्री पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कोयला मंत्री कौन नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि कोयला मंत्री जो है श्री प्रहलाद जोशी को नियुक्त किया गया है। देश के लोकसभा के महासचिव कौन हैं।
देश के जो महासचिव हैं लोकसभा के वो कौन है? तो स्नेहलता श्रीवास्तव हैं। कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। दोस्तों ये इसको ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो आपको बता दें कि ये जो है धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। 24 में आप देखिए कि भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है दोस्तों? तो भारत के कानून और न्याय मंत्री जो है रविशंकर प्रसाद को चुना गया है। आगे देखिए, देश का रेल मंत्री किनको नियुक्त किया गया है? तो आपको बताया था मैंने अभी दोस्तों कि देश के जो रेल मंत्री हैं वो पीयूष गोयल को चुना गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि देश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री किनको नियुक्त किया गया है? तो सेम, देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल ही हैं। कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल। अगला देखिए आप कि रसायन और उर्वरक मंत्री किनको नियुक्त किया गया है? तो रसायन और उर्वरक मंत्री जो है श्री विश्वनाथ गौड़ा को चुना गया है। डॉक्टर विश्वनाथ गौड़ा को चुना गया है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख कौन है? तो तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख जो होता है दोस्तों राष्ट्रपति होता है, यानी कि श्री रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद। हमारे देश के राज्यसभा के राष्ट्रपति कौन है, सॉरी सभापति कौन है दोस्तों? तो हमारे देश के जो राज्यसभा के सभापति हैं वो हैं एम वेंकैया नायडू। कौन है? एम वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के जो महासचिव हैं देश दीपक वर्मा। कौन है दोस्तों? देश दीपक वर्मा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रधान सचिव हैं नुपेंद्र मिश्रा को चुना गया है। किसको? नुपेंद्र मिश्रा। देश के महान्यायवादी यानी कि अटर्नी जनरल जो है कौन है? तो के वेणुगोपाल हैं। कौन है? के वेणुगोपाल। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो भारतीय सेना के जो प्रमुख है वो है जनरल बिपिन रावत। कौन है? जनरल बिपिन रावत। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो एयर मार्शल बीएस धनोता हैं। कौन है? एयर मार्शल बीएस धनोता। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है दोस्तों? तो हमारे देश के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम है। कौन है? कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है दोस्तों? आरबीआई के गवर्नर आपको बता दें कि शक्तिकांत दास हैं दोस्तों। कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है कि देश के नए पेट्रोलियम और इस्पात मंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देश के नए पेट्रोलियम और इस्पात मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान को नियुक्त किया गया है। आगे हम देखते हैं कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप ध्यान रखेंगे इसको, कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं विनोद कुमार यादव हैं। कौन दोस्तों? विनोद कुमार यादव। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल कौन है दोस्तों? याद रखेंगे सॉलिसिटर जनरल हमारे देश के जो है तुषार मेहता। कौन है दोस्तों? तुषार मेहता। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो आप ध्यान रखेंगे अरविंद सक्सेना। कौन है? अरविंद सक्सेना जो है यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। हमारे देश के नीति आयोग यानी कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? सीईओ आप हमारे देश के नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत। कौन है दोस्तों? अमिताभ कांत हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिर्देशक कौन है? बता दें कि कुमार राजेश चंद्रा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 43 में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो आप इसको ध्यान रखेंगे असीम खुराना। कौन है दोस्तों? असीम खुराना। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप एसएससी। और हमारा अगला 44 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे देश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? मतलब मुख्य सूचना आयुक्त जो है कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं सुधीर भार्गव। कौन है दोस्तों? सुधीर भार्गव। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश सचिव कौन है? विजय गोरवाड़े। कौन है दोस्तों? गोरवाड़े। अगला क्वेश्चन है कि कौशल विकास एवं अधिमित्र मंत्री कौन है? तो महेंद्रनाथ पांडे। कौन है दोस्तों? महेंद्रनाथ पांडे। किनको राज्यसभा के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें किस
श्रावण चंद्र गहलोल को सिलेक्ट किया गया है। किसको? श्रावण चंद्र गहलोल। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के महानिर्देशक कौन है? तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों कि अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय फिल्म प्रधान बोर्ड के परमानंद बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी। कौन है दोस्तों? प्रसून जोशी, इसको याद रखेंगे आप। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री नियुक्त किए गए हैं कौन? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपको बता दें कि वही प्रकाश जावड़ेकर को ही नियुक्त किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हमारे देश के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो हमारे देश के नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं श्री राजीव कुमार। कौन है दोस्तों? श्री राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है कि पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन बने हैं? तो आपको बता दें दोस्तों गिरिराज सिंह बने हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रम और रोजगार मंत्री कौन बने हैं? यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, श्रम और रोजगार मंत्री जो है संतोष गंगवार हैं। कौन है दोस्तों? संतोष गंगवार। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा के जो उपसभापति है वो है हरिवंश नारायण सिंह। कौन है दोस्तों? हरिवंश नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो ISRO के अध्यक्ष कौन है? तो श्री के सिवन। कौन है दोस्तों? श्री के सिवन, आप याद रखेंगे इसको नाम। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो संतोष रेड्डी। कौन है दोस्तों? संतोष रेड्डी। हमारे देश के वित्त सचिव कौन है? वित्त सचिव दोस्तों सुभाष चंद्र गर्ग। कौन है? सुभाष चंद्र गर्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि IIBP के निर्देशक महानिर्देशक कौन है दोस्तों? तो निर्देशक महानिर्देशक जो है सुरजीत देसवाल है। कौन है? सुरजीत देसवाल। हमारा अगला क्वेश्चन है 60 जो कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिर्देशक जो है कौन है? आपको बता दें दोस्तों कि ये राजीव राय भटनागर। कौन है? राजीव राय भटनागर। अगला क्वेश्चन है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के प्रमुख कौन है? तो दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के प्रमुख जो है अरविंद कुमार है दोस्तों। कौन है? अरविंद कुमार। अगला क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान यानी कि BARC के केंद्र के अध्यक्ष कौन है? तो आपको बता दें कि अरजीत कुमार मोहंदी। कौन है दोस्तों? अरजीत कुमार मोहंदी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI के अध्यक्ष कौन है? तो RS शर्मा। कौन है दोस्तों? RS शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, ध्यान रखेंगे इसको दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि हमारे देश के राजस्व सचिव कौन है? राजस्व सचिव तो ये अजय भूषण पांडे दोस्तों। कौन है? अजय भूषण पांडे। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिर्देशक कौन है? तो BSF के महानिर्देशक जो है वो रजनीकांत मिश्रा। कौन है दोस्तों? रजनीकांत मिश्रा। 67 आप देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के महानिर्देशक कौन है? तो CISF के महानिर्देशक जो है राकेश रंजन। कौन है दोस्तों? राकेश रंजन। अगला क्वेश्चन है कि CBI के निर्देशक कौन है दोस्तों? तो CBI के जो निर्देशक है ऋषि कुमार शुक्ला। कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला, ये नाम याद रखेंगे दोस्तों, CBI के निर्देशक। अगला क्वेश्चन है 69 में कि प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो A सूर्य प्रकाश। कौन है? A सूर्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन है किस देश के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, जिसको हम लोग कैग बोलते हैं दोस्तों, ये कौन है? तो राजीव महर्षि। कौन है दोस्तों? राजीव महर्षि। अगला क्वेश्चन है कि प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? प्रसार भारती के अध्यक्ष जो है A सूर्य प्रकाश। कौन है? A सूर्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन है प्रसार भारती के CEO कौन है? तो प्रसार भारती के CEO जो हैं शशि शेखर वेम्पति। कौन है? शशि शेखर वेम्पति। अगला क्वेश्चन है कि 14वें विश्व आयोग यानी कि 2015 से 20 के अध्यक्ष कौन है?
14वें वित्त आयोग यानी कि 2015 से 20 तक के जो आयुक्त हैं वो हैं डॉक्टर वाई के रेड्डी। कौन है? वाई के रेड्डी। अगला क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग यानी 2020 से 25 के अध्यक्ष कौन होंगे? कौन होंगे ये भी फिक्स है दोस्तों, ए के सिंह। कौन है? एन के सिंह। आगे क्वेश्चन देखिए आपके राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको बता दें कि युद्धवीर सिंह मलिक हैं। कौन है? युद्धवीर सिंह मलिक। अगला क्वेश्चन कि भारत में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर। कौन है दोस्तों? अशोक कुमार माथुर। अगला क्वेश्चन कि PNB के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो PNB के अध्यक्ष जो हैं सुनील मेहता हैं। कौन है? सुनील मेहता। हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विजय केशव गोखले। कौन है? विजय केशव गोखले। अगला क्वेश्चन है कि SBI के अध्यक्ष कौन है? तो ये है रजनीश कुमार। कौन है दोस्तों? SBI के अध्यक्ष रजनीश कुमार। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII के अध्यक्ष कौन है? विजेंद्र पॉल सिंह। कौन है? विजेंद्र पॉल सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA के अध्यक्ष कौन है? तो YC मोदी। कौन है दोस्तों? YC मोदी। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा। कौन है दोस्तों? रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है नंद किशोर सिंह है। कौन दोस्तों? नंद किशोर सिंह। अगला क्वेश्चन है कि कॉल इंडिया लिमिटेड चेयरमैन कौन है? तो अनिल कुमार झा। कौन है दोस्तों? अनिल कुमार झा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? तो मिताली राज। ये तो एक दो बार अभी देखने में आया है दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखेंगे। 86 क्वेश्चन हम देखते हैं कि ICC के CEO कौन है? ICC इंडियन क्रिकेट क्लब के CEO जो है मनु साहनी है। कौन है दोस्तों? मनु साहनी। अगला क्वेश्चन है कि SIDBI के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन है दोस्तों? मोहम्मद मुस्तफ़ा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड यानी कि SEBI के अध्यक्ष कौन है? तो ये अजय त्यागी है। कौन है दोस्तों? अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया हॉकी के अध्यक्ष कौन है? तो मुश्ताक अहमद है दोस्तों। कौन है? मुश्ताक अहमद। अगला हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो CK खन्ना। कौन है दोस्तों? CK खन्ना। यहाँ पे दोस्तों हमने 90 क्वेश्चन को डिस्कस किया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आप इसको एक बार रिविज़न भी करें और इसको रिविज़न करके आप इसको एकदम याद ही कर ले दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों एक और बात हम आपको बता दें कि हमारा जो है हमने हिस्ट्री का टोटल लेक्चर अपलोड कर दिया है, ज्योग्राफी भी लगभग कंप्लीट ही है, आप जा करके प्लेलिस्ट से इसको पढ़ सकते हैं। और काफ़ी हमने अच्छे तरीके से कम समय में जो है काफ़ी अच्छा मटेरियल देने की कोशिश की है, आप उसको देखें, आपको जरूर ही फ़ायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों।